हाय फ्रेंड, तो ये है देखिए, ये इंटेल का बोर्ड है, मदरबोर्ड। इसका जो मॉडल नंबर है ये आप देख सकते हो, DB75EN इसका मॉडल नंबर। इसको जब भी मैं पावर दे रहा हूँ तो पूरा डेड कंडीशन में है। यहाँ पे देख सकते हो कि पूरा डेड कंडीशन में है। अभी कोई भी स्टैंड बाई वोल्टेज ये पे नहीं आ रहा है और टिगर भी नहीं हो रहा है। गौर से देखिए, देखिए मैं टिगर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं अभी दिखाता हूँ कि इसका जो 12 वोल्ट का सेक्शन है इसमें भी शॉर्ट नहीं है। देखिए ये मैं 12 वोल्ट का, अगर इसमें 12 वोल्ट का शॉर्ट होता तो ये फैन घूमेगा या टिगर होगा भाई, यहाँ पे स्टैंड बाई वोल्टेज आ जाता है। देखिए मैं इसको इस, देखिए यहाँ पे मैं प्लग इन किया और यहाँ पे देखिए स्टैंड बाई वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो मैंने बहुत सारे चेक किया तो मुझे मिला है शॉर्ट जो है, यह 24 पिन का जो कनेक्टर होता है इसमें शॉर्टिंग है। ठीक है, उसमें दिखाता हूँ। तो अभी जो करूँगा, इस जो ये डायर है, डायर को चेंज करूँगा, चेंज करके। और ये डायर को मैंने चेक किया, मैं आप लोगों को एक बार पहले दिखा देता हूँ कि ये पूरा है, ये शॉर्ट है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए पूरा शॉर्टिंग है। इसको मैं रिप्लेस करके दूसरा लगाऊंगा तो मुझे लग रहा है कि ये बोर्ड रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो देख पा रहे हो मैं इसको अभी रिप्लेस करूंगा। देखिए इसको मैं बाहर कर दिया हूँ और मेरे पास है एक, तो उसको भी यहाँ पे लगा दूंगा। यहाँ पे इसका जो है ये डायोड का नेगेटिव पॉजिटिव होता है। ठीक है, देखिए सही से बैठा दिया। जो यहाँ पे जो डायोड थे वो चेंज कर दिया, और इसको जो खराब वाला है इसको मैं बाहर से चेक कर रहा हूँ कि सही है क्या नहीं। देखिए ये पूरा शॉर्ट है, आप यहाँ पे देख सकते, साउंड भी देख सकते हो, ये पूरा शॉर्ट है। और अभी इसको मैं चेक करूँगा, देखिए ये एम्पियर कंज्यूम कर रहा है, सही दिखा रहा है, ये शॉर्टिंग भी नहीं है। और आप, मैं आपको मल्टीमीटर को भी दिखा रहा हूँ, देखिए ये एम्पियर कुछ रीडिंग भी शो कर रहा है। तो अभी इसको मैं देखूँगा कि सही से लगाया कि नहीं लगाया। तो मैंने चेक किया कि जो फिट है सही से लगाया है, कोई लीकेज कंडीशन में नहीं है। तो अभी जो इसको फिट करूँगा और टिगर करूँगा कि फ़ैन घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। अगर फ़ैन घूम जाता है तो 100% रेडी है। ठीक है, तो सीपीयू तो लगा ही है। ओके, तो देख लूँ तुम। तो अभी देख रहे हो कि मैं पूरा प्लग जो है इसको मैं प्लग दे रहा हूँ। ठीक है, अभी दे रहा हूँ और ये अभी इसको पावर दिया और देखिए इसका स्टैंड बाई वोल्टेज ग्लो कर रहा है। ठीक है, ये पूरा ही लाइट आ गया है। तो ऐसा आपको कोई भी अगर शॉर्टिंग मिलता है तो क्या क्या चेंज करना है, वीडियो से देख के आपको पता चल जाता है कि अगर कोई डायरिया वगैरह मॉस्फेट वगैरह शॉर्टिंग होता है तो पूरा बूट को डैम कर देता है। ठीक है, तो मेरा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। वॉचिंग करने के धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।